के ऑडियंस को बता दीजिए, उसके बाद हम आपको सवाल पूछेंगे। ये हमने एक मूवी बनाई है लव यू फैमिली, काफ़ी अच्छी फैमिली मूवी है। मूवी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म के प्रमोशन को रिलेटेड जो हमारे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, जो हमारी स्टार कास्ट का जो मैं अपना हमारा मूवी का जो मेन लीड था सलमान यूसुफ का, उनके बिहेवियर से लेके जो हमारा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है वो शेयर करने के लिए आप लोगों को। तो हमें बताइए कि क्या मतलब प्रमोशन के मामले में वो क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रमोट करने के लिए रेडी नहीं है फिल्म को, तो ऐसा क्या हुआ कि वो रेडी नहीं हो रहे फिल्म को प्रमोट करने के लिए? देखो आज तक उनका कोई भी एक फाइनल रीज़न अभी तक हमको पता नहीं चला। मैंने आपको कहा कि मैं 7 मई को जब यहाँ पे हमारी इसी ऑफिस के अंदर सलमान यूसुफ खान यहाँ पे आए हुए थे, तब सलमान यूसुफ खान ने हमने उनको पूछकर कहा था कि आपका भाई क्या प्रोग्राम है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने 15 मई से लेके 15 मई को म्यूज़िक लॉन्च का प्रोग्राम उनके साथ फाइनल किया। उसने कहा कि मैं 17, 18, 19, 20 गल्फ़ की ओर जा रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज़ में जा रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा वहाँ पे प्रोग्राम है। हमने कहा ठीक है चलो ओके कोई वादा नहीं, हम लोग आपको 22-23 तारीख से हम आपके एक और शेड्यूल बना देते हैं, तो आप उसी हिसाब से हमारे साथ जुड़िए। उसने कहा कि ठीक है कोई वादा नहीं, लेकिन फिर 9 तारीख से लेके जैसे कि वो गायब ही हो गया, 9 फ़ोन कॉल्स, 9 व्हाट्सएप मैसेजेस, 9 टेक्स्ट मैसेजेस, नथिंग, नो कोई हमारे मेल का कोई एक भी आंसर नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत सारे मेल किए, उनका आंसर नहीं दिया। उनका जो सेक्रेटरी था वो 15 मई को जब म्यूज़िक लॉन्च का प्रोग्राम था वहाँ तक आते आते उसने सैटरडे संडे हमको यही कहा कि भाई 13-14 तारीख तक के यस वो आ रहे। लास्ट को 15 तारीख को जब हम लोगों ने 8:30 बजे जब नहीं आया, तब हमने जाके वापस उनको फ़ोन किया कि भाई सर क्यों नहीं आए, तब उसने जाके हमको कहा कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको लाने की। मैंने बोला ट्राई मतलब व्हाट डू यू मीन, ट्राई का मतलब क्या होता है? 15 तारीख को जब म्यूज़िक लॉन्च का प्रोग्राम है अभी आप रात को 8:30 बजे ये कह रहे हो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ट्राई का मतलब क्या होता है? आपको इस वक्त तो यहाँ पे हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज की जो बड़ी हस्ती है मिस्टर भरत भाई शाह, वो हमारे मूवी के प्रेजेंटर है, वो यहाँ पे आ चुके हैं और बाकी भी इंडस्ट्रीज के काफ़ी बड़े लोग आ चुके हैं, मीडिया आ चुकी है, और आप अभी भी कह रहे हो कि सलमान यूसुफ खान को लाने की ट्राई कर रहा हूँ। फिर समझ में आया कि भाई वो नहीं आ रहा, ठीक है कोई वादा नहीं, हमने अपना कार्यक्रम बहुत ही हैप्पीली अच्छा काम किया। उसके बाद भी हम लोगों ने ये होप रखी कि चलो कोई वादा नहीं, हम आपसे ये रीज़न पर नहीं पढ़ना चाहते कि हमारी म्यूज़िक लॉन्च में क्यों नहीं आया है, वट एवर, चलो हमको हर्ट तो काफ़ी फील हुआ था, लेकिन चलो कोई वादा नहीं, हम आपसे एक और मीटिंग करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बातचीत होती थी उनके सेक्रेटरी मिस्टर कपिल शर्मा के साथ। कपिल शर्मा को मैंने 50 बार बोला है कि यार आप सलमान के साथ 7 तारीख को जब हमसे मिला था, अभी फेस टू फेस आ गया हो गल्फ से 20-21 तारीख को, तो बोले एक बार मेरी से बातचीत तो करा दीजिए, हमारी एक टेबल मीटिंग तो करवा दीजिए। उसने कहा था कि सर आपको पहले आप मेरी ऑफिस पर आए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे प्रोड्यूसर मैं उनकी ऑफिस पर गया जो सलमान का सेक्रेटरी है, उनकी ऑफिस पर गया, उनकी ऑफिस पर जाके मैंने बातचीत की, तो जब वहाँ पर जाके जब उनकी जब मैंने शर्तें सुनी तो आई एम वेरी शॉक। उसने पहले कह दिया कि सर आपकी आपको आपकी रिलीज डेट पहले तो आपसे 2-2.5 महीना पीछे ले जाइए, जो मैंने 9 जून ऑलरेडी म्यूजिक लॉन्च के समय पे भी सबको डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है ओके, 9 मैं पीछे 2-2.5 महीना ले जाऊं और पीआर और पीएनए का जितना प्रमोशन का काम है वो हमको दे दीजिए, आपकी टीम को निकाल दीजिए। चलो ओके, और क्या है? और उसने कहा कि हम आपको छोटी सी अमाउंट बोलेंगे, आपको उसके हिसाब से उसके ऊपर डिसाइड करना है। मतलब छोटी सी अमाउंट का मतलब क्या होता है? हमने जब आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ था तब फर्स्ट टाइम से यही था कि टिल रिलीजिंग आप हमको प्रमोशन और रिलीजिंग के बाद भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे भी सलमान यूसुफ खान आएंगे। ये आपने जब एग्रीमेंट जब साइन किया था, जब पिक्चर साइन की थी, तब आपने पूरा ये काम किया था। अभी आप सडनली ऐसा चेंज कैसे कर सकते हो, एक अमाउंट की बात कैसे आ सकती है? इसी रिलेटेड ये एक पूरी कहानी। तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, तो आप लीगल एक्शन उनके ऊपर ले सकते हो कुछ ना कुछ, तो क्या आपकी तरफ से एक्शन होने वाला है? हमने पहले तो क्या होता है कि हमारे लीगल एडवाइज़र है मिस्टर अनिल नागराज जी, उनको हमने बताया हुआ है, उसने भी उनके साथ कंसर्न किया, लेकिन उनके साथ भी उनके कपिल शर्मा ने बड़े बदतमीजी से बात की उनके साथ,
क्योंकि स्पीकर फोन पे वो भी मेरे को सुना रहे थे, मैं पास में ही बैठा था। तो उन्होंने इस तरीके से उनसे बोला, उन्होंने बोला आपने पैसे मांगे हैं, तो कहते हैं हाँ हमने 15 लाख रुपये मांगे। तो उन्होंने कहते हैं उसके बाद उन्होंने बोला कि ये कोई ब्लैकमेलिंग है, तुमने एग्रीमेंट के ऊपर प्रॉपर लिख के दिया हुआ है कि मैं प्रमोशन करूँगा 10 डेज में आपको दूंगा। तो ये तो 10 डेज नहीं मांग रहे, 5 दिन मांग रहे हैं। तो 5 दिन का तुम करके बेटा, एक एप्लीकेशन आई है, तो अच्छा नहीं होता कि ये एप्लीकेशन जाए तो एक्टर के असर पड़ता है और यूनियन में बुलाया जाएगा। वो कहते हैं आपने जो करना करो, मेरे को कोई डर नहीं। उनसे भी उन्होंने बदतमीजी से बात कहा कि सर मीडिया मीडिया के सामने तो कपिल शर्मा ने कहा कि भी हम लोग को कोई डर नहीं है, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ो, बाकी जो एक्शन लेना हो एक्शन आप लीजिए। अभी हम लोग प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अंदर दो जो एसोसिएशन है वहाँ पे हम लोगों ने एक लेटर दिया हुआ है और सबकी सलाह और सपोर्ट लेके आगे बढ़ो। सर सलमान यूसुफ का कोई रिएक्शन आया? सलमान यूसुफ टिल टुडे तक कोई भी वो नहीं, बात नहीं हुई। बात मैंने कहा ना 7 मई से लेकर 7 जून है, कोई भी उसने हमसे अभी तक कोई बातचीत नहीं। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, पूरे हमने जो है उसको दिए हुए हैं, क्या नाम है, व्हाट्सअप किए हुए हैं उसके, कपिल शर्मा के जो व्हाट्सअप किए हुए हैं, जो हमने डेट का मेल किया हुआ है पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। जबकि हमारे एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि 10 दिन पहले हमें आप बताओगे, हमने पूरा 10 नहीं 15 दिन पहले एक लेटर इशू किया है, मेल किया है, वो मेल का भी हमारे पास है। लेकिन जैसे वो कहावत होती है ना कि चाय से केतली गर्म, मतलब कि सलमान यूसुफ में हम फेस टू फेस बात करें, वो आदमी अच्छा है, ऐसा नहीं है, आदमी फ्यूचर में काम भी बहुत अच्छा उसने किया है, लेकिन सलमान को सामने ही नहीं आने दे रहे। सबसे जो कपिल शर्मा जहाँ तो सलमान के कहने पे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जहाँ वो खुद ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जहाँ ये कारण क्या कि हमने पीआर रखा हुआ है, जहाँ भरत भाई शाह ने हमें ये बात बोली कि भाई पीआर प्रेम जी करेंगे, चलो जी ठीक है। अब प्रेम जी को आधा से ज़्यादा काम वो कर चुके हैं, उनको हटाने का कोई तुक नहीं, जहाँ तो वो पैसा खाना चाहते हैं। डिसीजन जो है वो डिसीजन हमारा होता है, आज तक हमने नहीं सोचा कि किसी और का, ये डिसीजन जो होता है प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको रिलीज करनी है, वो भी हमारे। हाँ एक बात ये है कि हमारे इसके अंदर पैसे लगे हुए तो हम लोग डेफिनेट चाहेंगे कि अच्छे तरह से उसका प्रमोशन हो और एक अच्छी तारीख पे ये फिल्म रिलीज हो, ताकि हमारा पैसा हमको वापस मिले और प्लस होके मिले, ये हमारी तो ऐसी सोच रहेगी। तो डेफिनेट हम जितना भी सोचेंगे तो फिल्म के बारे में अच्छा सोचेंगे, बेनिफिशियल में सोचेंगे। तो उनको इस हिसाब से पोजीशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप ये करो और वो करो, ये कोई बात नहीं। प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो एक्टर जिंदा है, अगर प्रोड्यूसर ही मर जाएगा तो एक्टर जिंदा कहाँ से रहेगा। मेरी तो समझ लीजिए कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनकी आगे एक रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू, मीडिया एक बहुत बड़ी मतलब के मैसेज है, एक सेकंड में पहुंच जाता है। मेरी मीडिया के आगे भी रिक्वेस्ट है कि ये आगे से मैसेज दें और प्रोड्यूसरों से, पूरे जो नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं उनको जिंदा रखो, प्रोड्यूसर से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, सभी सीनियर और नए प्रोड्यूसर से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसके ऊपर कुछ आगे चल के चलो। हम तो हो गए, मतलब हमारे साथ तो एक ऐसा किसी ने स्टार ने एक ऐसा कर लिया, लेकिन आगे चल के किसी को और को भी ऐसा धोखाधड़ी ना हो, कोई ब्लैकमेलिंग ना करे, उसके लिए एक थोड़ा सा सख्त कदम उठाए। सख्त कदम देखिए हमारा, मैंने आपको कहा ना कि हम लोग लेटर हमने दिया हुआ है प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अंदर, वहाँ पे फिर उनका वो उनका हिसाब से उनके गाइडेंस और उनके सपोर्ट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। सर शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो नाराज हो या? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो चीज़ मांगी हमने दी। मुझे ये नहीं लगता है कि टिल 7 मई तक वो यहाँ पे आया था तब ना सलमान की मेरे पास कंप्लेंट थी ना मेरी सलमान के साथ कंप्लेंट थी, ये मैं आपको बता दूँ। उस बंदे ने फिल्म के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम किया, ना डायरेक्टर को परेशान किया है ना प्रोड्यूसर को परेशान किया है, शूटिंग के दौरान पे जो बात है खुल के, जो अगर उनका ये प्लस पॉइंट है तो मैं आज मीडिया के सामने उनका प्लस पॉइंट भी रखना चाह रहा हूँ कि उसने हमको शूटिंग के दौरान कभी भी कोई बातचीत ऐसी हुई नहीं है ना, तो बहुत ही अच्छा काम किया। ये जो बातचीत निकली है पता ही नहीं, 7 मई से लेके मैं अभी तक, मतलब 7 मई को लास्ट मिला था, 8 मई से लेके मैं तो अभी तक उनको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, फोन कॉल्स कर रहा हूँ, मेल हम भेज रहे, कोई आंसर नहीं है। और उनके सेक्रेटरी को हम लोगों ने 500 बार बताया कि भले तू सलमान की हमारे साथ मीटिंग तो करा, आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया वो सामने सामने आके बैठे बातचीत तो करे। जब पैसे की बातचीत निकल के आई तब हमको बहुत शौक लगा कि भाई ये वापस गलत है। मैंने वापस सलमान को भी व्हाट्सएप किया, मैंने बोला दिस इज़ वेरी रॉन्ग, लेकिन वापस उनके पास से भी कोई ना, उनके सेक्रेटरी ने भी आके हमसे वापस मीटिंग की कि सर ये है और ये फलाना है,
तब ये आपको ये गलत लगा कि काफ़ी गलत चीज़ हो रही है। तो सर जब कोई 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 समस्या नहीं है ना सलमान की तरफ से ना आपकी तरफ से, जब कोई समस्या ही नहीं है तो फिर ये समस्या कैसे खड़ा हुआ? और कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि पब्लिसिटी के लिए ये ऐसी बात नहीं है, पब्लिकसिटी की बात नहीं है। पब्लिक सिटी देखिए, पिक्चर मेरी बहुत अच्छी है, पब्लिक सिटी पब्लिक देखेगी पिक्चर मेरी तो पसंद करेगी, इमोशनल है, अच्छी है, मेरे बड़े कलाकार जो हैं अच्छा काम किया है उन्होंने। मेरा तो एक कहने का यही है कि आगे जो नए प्रोड्यूसर आए उनको ब्लैकमेल नहीं किया जाए, मेरा कहने का मीनिंग यही है, और कोई मेरा कहने का मीनिंग नहीं है। कि क्या है कि प्रोड्यूसर नया प्रोड्यूसर आता है, पैसे खर्चता है, अपनी जमा पूंजी खर्चे पूंजी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता है, लास्ट में जाके जब प्रमोशन का समय आता है तो उसके चलते एक्टर ब्लैकमेल करे तो प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा? प्रोड्यूसर कोई रिकॉर्डेड कुछ ऐसा है आपके पास जो आप शो करना चाहेंगे तो जिसमें हमने पैसे हमने व्हाट्सएप किए हुए हमने पूरे मेरी बात सुनी, हमारे पास उनका ऐसा तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है कि जिनके हिसाब से वो जो ब्लैकमेलिंग वाली जो बातचीत है। फिर भी मैंने उनको जिस दिन मेरे पास ये ऑफर आई थी उसी दिन मैंने सलमान को व्हाट्सएप किया हुआ था, टेक्स्ट मैसेज किया हुआ था कि भाई ये आपकी तरफ से ये डिमांड रखी गई आप समझो, और आप अपनी सेक्रेटरी को एक बार पूछ लीजिएगा, ये मैंने उनको बोला भी था। बाकी मैं मुझे आदत नहीं है, शुरू से मैंने आदमी को आदमी के हिसाब से भरोसा करके देखा हुआ है। मैं बोलता हूँ कि बॉलीवुड पे खाली ये मेरा एक सलमान यूसुफ खान के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्रीज इसी हिसाब से चलती, कि इंडस्ट्रीज नहीं सब आदमी अच्छे हैं। तो ये मेरी अच्छाई यही एक था कि भाई मैंने आज तक कभी किसी का भी फ़ोन रिकॉर्ड मैंने नहीं रखा हुआ है। और जहाँ तक बात पब्लिसिटी की आती है तो ऐसी कोई बात हम लोग करते भी नहीं, और हमको ऐसी कोई फालतूगिरी चाहिए भी नहीं। जो एक हुआ है इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ नहीं, दूसरे के साथ ना हो, खाली हमारा यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या रिलीजिंग डेट वापस लिया जाएगा या रिलीजिंग डेट नहीं सर, हमारी 9 जून को पिक्चर रिलीज है, कल आपको शो टाइमिंग से लेके सब कुछ दे दिया जाएगा। 9 जून को पिक्चर श्री गणेशाय नमः बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज हो रही है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सर बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी है, शक्ति जी है, बहुत सारे लोग हैं फिल्म में, तो उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स? बहुत ही अच्छा सपोर्ट, प्रमोशन कर रहे हैं, सारे जा रहे हैं, शक्तिपुर जी गए हुए हैं, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, आज जयपुर हैं, कर रहे हैं वो, उन्होंने पूरा हमारे को कंधे से कंधा मिला के साथ। शक्ति कपूर जी ने भी जब ये सब बातें, तो शक्ति कपूर जी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है, और उसने शक्ति कपूर जी, मनोज जोशी ने भी लंदन से मैसेज दिया, लंदन से उसने अपना एक वीडियो बना के मैंने कहा उनको एक रिक्वेस्ट डाली तो उसने कहा कि ठीक है कोई वादा नहीं, मैं लंदन में हूँ, मैं अभी आपको मोबाइल रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप करता हूँ, बोले उसके बाद भी मैं यहाँ पे आऊँगा। वैसे मेरी जुड़वा पिक्चर की पूरी लाइनअप रेडी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फादर काफ़ी सीरियस है, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। तो मनोज जोशी जी ने मेरे साथ बातचीत हुई तो उसने कहा कि यार मैं इस हिसाब से हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी ज़रूरत पड़े मेरे जो मैं बैठे बैठे घर पे भी तुम्हारा काम पटा सकूँ तो मैं कर सकता हूँ। और आज शक्ति कपूर जी हर जगह पे जाके शक्ति कपूर का वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से उसने हमको प्रेजेंट किया, जो उसने लड़की के बेटियों के बारे में बहुत ही अच्छे बोले हुए हैं, और भी सभी सीनियर आर्टिस्ट का बहुत ही अच्छा सपोर्ट। चलते चलते आखिरी सवाल, लव यू फैमिली, कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं आपको इस फिल्म से? बहुत अच्छी पिक्चर है, पब्लिक को 101% पिक्चर पसंद आएगी, और चारों पिक्चरों में हमारी पिक्चर हिट जा रही है। हम नहीं बोल रहे, मतलब कि हम तो बोलेंगे कि हमने बनाई है, लेकिन ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि पब्लिक बोलेगी कि ये पिक्चर कैसी बनी। हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है और वो मैसेज वाकई ही अच्छा है। लव यू फैमिली मूवी फॉर एवरी डॉटर, हर बाप अपनी बेटी के साथ ये मूवी देखने जाएगा, और हर फैमिली के साथ सब लोग मिलके जुल के ये मूवी देखेंगे। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छा मैसेज है, और सबको ये मैसेज मूवी पिक्चराइजेशन इसका म्यूजिक बहुत ही अव्वल नंबर का म्यूजिक है, सबको पसंद आएगा, और पूरी आशा है कि ये पिक्चर बहुत ही अच्छी चलेगी। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, 5-6 गाने हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे गाने गाए गए हैं। एक्ट्रेस की बात करें तो वो भी नजर नहीं आ रहे, एक्ट्रेस हमारे सारे टूर पे हैं, सारे सिटी टूर पे गए हुए हैं, अब लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम के हिसाब से रुके हुए हैं, बाकी वो सब सिटी तो हमारे डायरेक्टर मिस्टर सचिंदर शर्मा वो भी सबके साथ सिटी टूरिंग पे है, जो अक्षा पारदर्शनी जो ऑलरेडी साउथ की 14 फिल्में कर चुकी है,
वो भी सिटी टूर पे है। जो हमारा दूसरा जो मेन लीड हीरो है कश्यप, वो भी वहाँ पे है। तो वो तो अपना हमारा चालू ही है, वर्क हमारा चालू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।